दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे संत महायोगी के बारे में जिनकी उम्र करीबन 900 साल बताई जाती है। यहां तक कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। ये पेड़ फूल और जानवरों से उनकी ही भाषा में बात किया करते थे। दोस्तों अगर आप इनके रहस्यों और चमत्कारों के बारे में सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देवराहा बाबा, इनका जन्म अज्ञात है, यहां तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। कहा जाता है कि वो करीबन 900 साल तक जिंदा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे विभूतियों ने पूज्य देवराहा बाबा के समय समय पर दर्शन करके खुद को कृतार्थ किया था। वे पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। श्रद्धालुओं के कथानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल भी था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वे खिचड़ी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध का माहौल रहता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर भी चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी कोई भी सवारी का सहारा नहीं लिया और ना ही उन्हें कभी किसी ने सवारी से कहीं आते जाते देखा भी था। कहते हैं कि वे किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आ जाती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वे पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन और कहां उनके बारे में चर्चा हुई। उनकी याददाश्त इतनी तगड़ी थी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते थे और उनके दादा परदादा तक का नाम भी वह इतिहास तक बता देते थे। बाबा फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे। उनका नियंत्रण हर चीज पर था, यहाँ तक कि वे अगर नहीं चाहते थे तो रिवॉल्वर से गोली तक नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भरपूर नियंत्रण था। एक बार की बात है जब वृंदावन के यमुना पार देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था, अधिकारियों में अफड़ा तफड़ी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाया और पूछा, पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? अफसरों ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का भी नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, इसीलिए इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे इसके बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी बस एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती चली गई। आखिरकार बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं ही कैंसिल करा देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहाँ आए लेकिन पेड़ नहीं कटा। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वो भी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने अपने हाथों के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से वापस आने के बाद
इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उम्र करीबन उस वक्त 2 से 3 साल की थी, जब अपने माता पिता के साथ वे बाबा के यहाँ गए थे। बाबा देखते ही बोल पड़े, ये बच्चा तो राजा बनेगा। बाबा के आशीर्वाद देने का उनका ढंग बहुत ही निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों की मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर ही अपना पूरा जीवन गुजारा। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। देवराहा बाबा को खिचड़ी मुद्रा पर सिद्धि थी, जिसके कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। बाबा ने खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तगण जो भी लेकर पहुंचे उसे भक्तों पर ही बरसा दिया। उनका बताशा मखाना हासिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी। और फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का मिजाज बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टर की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा है। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधियां तूफान ले आए। यमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा। और इन्हीं सबके बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। दोस्तों, देवराहा बाबा के बारे में हमें अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप एक ऐसे योगी के बारे में जानना चाहते हैं जो करीबन 21 साल से तपस्या में लीन है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।